YouTube चैनल सब्सक्राइबर हाइड कैसे करते हैं ये तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप सोचते होंगे कि यार सब्सक्राइबर हाइड करने से होता क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि एग्जांपल वाइज मैं आपके चैनल पर गया एंड मैंने एक वीडियो देखा आपका, आपका कंटेंट अच्छा है ठीक है, लेकिन यार मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पर आपका 300-400 सब्सक्राइबर है चैनल पर, तो यार मैं आपके ऊपर बिलीव नहीं करूँगा, क्योंकि यार मतलब मैं सोचूंगा कि यार ये तो एक खुद एक नया यूट्यूबर है, अभी ये लोग सीख रहे हैं ठीक है, वो बोल रहे हैं कि अभी सीख रहा है, जब आगे अच्छा बढ़ाएंगे तब सब्सक्राइब कर लूँगा। लेकिन अगर आप वहीं पर अपने सब्सक्राइबर को हाइड किए होंगे तो वो नहीं समझ पाएगा एंड वो सोचेगा कि अच्छा वीडियो बनाता है, मैं इसको सब्सक्राइब कर लेता हूँ। इसीलिए आपको अपने सब्सक्राइबर हाइड करके रखना चाहिए। तो अगर आपको नहीं पता सब्सक्राइबर हाइड कैसे करते हैं तो मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियो में। तो अगर चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो के। सब्सक्राइबर कैसे हाइड करते हैं यूट्यूब पर तो बताता हूँ गाइस। आपको अपना क्रोम ओपन करना है एंड ओपन करने के बाद देखिए गाइस यहाँ पर आपको देखिए बहुत से ऑप्शन मिल रहा होगा ठीक है। यूट्यूब आपको सर्च कर लेना है या फिर आपको यहाँ पर आपका खुद यूट्यूब स्टूडियो होगा ठीक है जो यूज़ करता होगा। मैं क्लिक करूँगा यूट्यूब पर एंड जैसे मैं यूट्यूब पर क्लिक करूँगा आपको ओपन हो जाएगा ठीक है यूट्यूब कुछ इस टाइप का। एंड इतना करने के बाद में देखिए आपको अपना यूट्यूब स्टूडियो ओपन करना होता है डेस्कटॉप मोड पे मोबाइल पर, तो आपको क्लिक करना है थ्री डॉट पे ठीक है ऊपर एंड क्लिक करना। देखिए यहाँ पर ऑप्शन होगा आपको डेस्कटॉप साइट का, तो क्लिक कर देना है इसमें डेस्कटॉप साइट में, तो आपका जो यूट्यूब चैनल है वो एकदम ओपन हो जाएगा जैसे कि लैपटॉप में ओपन होता है वैसे ओपन हो जाएगा। एंड देखिए आपको यहाँ पर जूम करना है किनारे आना ठीक है जूम करते करते, एंड यहाँ पर आपको क्लिक करना है अपने फोटो वाले आइकन पर एंड यहाँ पर आपको क्लिक करना है देखिए यूट्यूब स्टूडियो में ठीक है। क्लिक कर देंगे ऐसे यूट्यूब स्टूडियो में टैप करके रहना है एंड फिर सेकंड वाले पे क्लिक कर देना है। टैप करते करते हमें सेकंड वाले पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर अपने अपना पासवर्ड एंड आईडी डालनी है जो आपकी यूट्यूब की रियल होती है। इतना करने के बाद में आपको ओपन करना है। वो करने के बाद में आपको क्लिक करना है कंटिन्यू स्टूडियो पर एंड जैसे ही आप कंटिन्यू स्टूडियो पर क्लिक कर देंगे तो देखिए आपका एक डेस्कटॉप ओपन हो जाएगा जो कि कंप्यूटर में ओपन होता है एंड आपको जूम करना है ठीक है। देखिए नीचे साइड पर आपका एक सेटिंग का ऑप्शन होगा, थोड़ा रिंग लाइट आ रही है ठीक है, मैं थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि प्राइवेसी की प्रॉब्लम होती है, तो आपको क्लिक करना है सेटिंग पर एंड जैसे सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो आपका कुछ यहाँ पर देखिए ऑप्शन है जेनुअल सेटिंग जेनुअल ठीक है परमिशन, तो आपको क्लिक करना है चैनल वाले ऑप्शन पर एंड आपको जूम आउट करना है। इतना करने के बाद आपको सेकेंड वाले में क्लिक कर देना है देखिए एडवांस वाले में एंड देखिए आपको फिर थोड़ा जूम करता हूँ मैं एंड आपको देखिए यहाँ पर नीचे आना है थोड़ा सा और नीचे आना है। देखिए यहाँ पर लिखा है ऑटोमेटिक कैप्शन, देखिए यहाँ पर लिखा है सब्सक्राइबर काउंट, तो आपको टिक कर दोगे गाइस तो आपका सब्सक्राइबर दिखने लगेगा एंड अनटिक कर दोगे आपको सब्सक्राइबर नहीं दिखेगा। मतलब देखो मैं टिक कर दोगे सब्सक्राइबर दिखने लगा, अनटिक कर दोगे जैसे ही तो आपका सब्सक्राइबर नहीं दिखेगा, मतलब आपका सब्सक्राइबर हाइड हो जाएगा एंड उतना करने के बाद में आपको सेव का ऑप्शन पर क्लिक कर देना है बस। आप आज का वीडियो को पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो पे एक लाइक जरूर करिएगा एंड गाइस प्लीज चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो गाइस प्लीज यार चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।